यह हिंदुस्तान कॉपर का शेयर, और देख सकते हैं 5% की आज गिरावट आई है इसमें। कल भी इसमें 5% की गिरावट आई थी और परसों भी एक अपर सर्किट लगा के फिर इसने लोअर सर्किट लगाया था, तो लगभग 3 दिनों से ये कंटिन्यूअस गिर रहा है। अब क्या करना चाहिए, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं 3 दिनों से ये लोअर सर्किट लगा रहा है। पहले दिन अपर सर्किट लगाया था, फिर लोअर सर्किट लगाया, फिर उसके बाद लोअर सर्किट, और फिर ये थर्ड लोअर सर्किट इसने आज लगाया है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट कोई मुद्दा यही उठता है कि कहाँ तक ये शेयर जा सकता है, कितना नीचे जा सकता है, और ये ऐसा क्यों कर रहा है। ऊपर बहुत अच्छी छलांग लगाई लेकिन ये नीचे इतनी स्पीड से क्यों आ रहा है, क्या यहाँ पे इस लेवल पे आपको इस शेयर को होल्ड करना चाहिए, क्या इसमें और इन्वेस्टमेंट बढ़ानी चाहिए, ये सारे सवालों का जवाब मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। हिंदुस्तान कॉपर एक्चुअली कॉपर इंडस्ट्री से बिलोंग करता है और कॉपर में काफी अच्छी तेजी आई हुई थी अभी हाल फिलहाल के दिनों में। हिंदुस्तान कॉपर बेसिकली एक पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज है जो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंडर में आती है। ये कॉपर मैन्युफैक्चरिंग करती है, ये एक्चुअली वर्टिकली इंटीग्रेटेड है, बैकवर्ड और फॉरवर्ड इंटीग्रेटेड कंपनी है। बैकवर्ड और फॉरवर्ड इंटीग्रेटेड कंपनी का मतलब क्या होता है कि ये खुद ही प्रोड्यूस करती है, खुद ही अपना कॉपर मटेरियल निकालती है और उसे बाद में प्रोसेस कर बेच भी देती है। और प्रोसेसिंग क्या करती है, तो कॉपर कैथोड बनाती है इसका, कॉपर वायर बार्स बनाती है, कंटिन्यूस कास्ट रॉड बनाती है और उनके बाई प्रोडक्ट्स भी बनाती है। तो ये सारे प्रोडक्ट्स बनाकर ये बेच देती है डायरेक्ट मार्केट में। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक रिफाइनरी है इसकी कॉपर की, और ये कॉपर को माइनिंग करके निकालती भी है। जो इस कंपनी को मटेरियल चाहिए वो ये माइनिंग करके निकाल लेती है, उसके बाद में इसे प्रोसेस कर देती है, प्रोसेस करके जो भी मटेरियल निकलता है उसे वो आगे बेच देती है। तो ये पीछे में जो इसका हुआ ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन कहलाता है, और फॉरवर्ड में जो इसने अपना प्रोडक्ट बेचा उसे फॉरवर्ड इंटीग्रेशन कहते हैं। इनके प्लांट्स काफी जगह पे फैले हुए हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, गुजरात, ये सब जगह इनके प्लांट फैले हुए हैं, और इन पूरे प्लांट्स की डिटेल यहाँ पे दी हुई है। अब देख लेते हैं हिंदुस्तान कॉपर का चार्ट, ये हिंदुस्तान कॉपर का डेली चार्ट है, और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ आखिर इसमें। तो सबसे पहले चले जाते हैं कि मैंने इसे कहाँ पर रिकमेंड किया था, तो मैंने इसे लगभग 60 रुपए के आसपास यहाँ पे रिकमेंड किया था, और उसके बाद में देख सकते हैं ये ऊपर नीचे यहीं पे करता रहा और इसने हमारे एसएल को कभी भी हिट नहीं किया, और उसके बाद में जो इसमें चाल शुरू हुई ऊपर की वो चलता चला गया। यहाँ पे एक देख सकते हैं यहाँ पे कुछ दिन रुका रहा और उसके बाद में ये फिर ऊपर चला और फिर रुका और फिर ऊपर की यात्रा इसने शुरू कर दी। स्टॉक मार्केट के कुछ नियम होते हैं, स्टॉक कोई भी स्टॉक एक कंटिन्यूअस चाल में ऊपर ही ऊपर चलता नहीं जाएगा, कहीं ना कहीं उसे रेस्ट लेना ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं उसे डिप लेना ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं करेक्शन उसमें आएगी ही। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं काफी अच्छी राइज हुई इसमें और उसके बाद में इसने एक करेक्शन लिया, करेक्शन मतलब ये खड़ा रह गया, वही एक करेक्शन होती है। इसे आप एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं, मान लीजिए आपको एक पहाड़ की चढ़ाई करनी है, तो पहाड़ की चढ़ाई करनी है तो आप स्टार्टिंग में बहुत तेजी तेजी से कदम बढ़ाएंगे और उसके बाद में आप रुक जाएंगे। रुकना बहुत जरूरी है ताकि आपको रेस्ट मिले, तो रुकना बहुत जरूरी है। रुकने के बाद में आप में एक स्ट्रेंथ आती है, आप में फिर से एनर्जी भर जाती है और वो एनर्जी फिर विस्फोटक रूप से और ऊपर लेके जाती है आपको। तो ये देख सकते हैं काफी 2-4 दिनों में ही इसने अपनी ऊपर की यात्रा की और उसके बाद में काफी दिनों तक लगभग 1-1.5 महीने तक ये खड़ा रहा। उसके बाद में फिर ये एक ऊपर की यात्रा इसने यहाँ पे शुरू की और फिर रुक गया, और रुकने के बाद में फिर एक अभी जो छलांग लगाई है इसने बहुत शानदार छलांग लगाई है। तो ये हर स्टॉक का नियम होता है कि कुछ दूर चलो और फिर रेस्ट करो। ये करेक्शन कहां तक आ सकती है ये सारे कैलकुलेशन हम करके देखेंगे और क्या संभावना इसकी बनती है वो भी हम देख लेते हैं। तो ये शेयर 60 रुपए से चलकर अभी 160 रुपए के आसपास पहुंच गया था, तो काफी लंबी छलांग इसने लगा दी थी। अब ये इसका रेस्टिंग का टाइम है, ये रेस्टिंग का टाइम हो सकता है बहुत फास्ट वे में ये करेक्ट करके फिर ऊपर की अपनी यात्रा करे, हो सकता है ये नीचे आए और फिर कुछ दिनों तक ये खड़ा रहे और फिर ऊपर की यात्रा अपनी शुरू करे। ये रेस्टिंग जोन बहुत जरूरी होता है, उसके बाद में जो यात्रा होती है वो बहुत अच्छी होती है, और इसी में जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं वो बाहर हो जाते हैं या वो धकेल दिए जाते हैं। ये अप और डाउन की जर्नी बहुत जरूरी होती है ताकि यहाँ पे जो वीक हैंड्स हैं उन्हें बाहर कर दिया जाए और जो स्ट्रांग हैंड्स हैं वो यहाँ पे एक्युमुलेट करेंगे और फिर ये स्टॉक ऊपर की जर्नी अपनी कर सकता है। अभी बेसिकली हिंदुस्तान कॉपर में इतनी तेजी आई क्यों, तो इसका एक ही रीजन था कि कॉपर जो है वो बहुत ही स्पीड से ऊपर गया है और वो भी अभी करेक्शन फेज में आया है, तो इसलिए इसमें भी करेक्शन आ रहा है और कॉपर में भी करेक्शन आ रहा है। देख लेते हैं एक और कॉपर का चार्ट तो क्लियरिटी अपने को ज्यादा मिल जाएगी। तो मैंने एक कॉपर फ्यूचर निकाल लिया है और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सेम टू सेम चार्ट कॉपर और हिंदुस्तान कॉपर का आपको दिखाई देगा। एक डिप लिया था यहाँ पे लगभग 300 के लेवल पे ये काम कर रहा था, उसके बाद में एक अच्छी तेजी आई इसमें, फिर यहाँ पे इसने रेस्ट लिया और फिर एक अप मूव दी और फिर यहाँ पे रेस्ट किया और फिर इसके बाद में एक बहुत ही अच्छी छलांग आई। जैसा कॉपर का चार्ट है सेम टू सेम आप देखेंगे हिंदुस्तान कॉपर का चार्ट भी वैसा ही है, और अभी देख सकते हैं इसमें एक डिप आई है और ये डिप आने के बाद में ये अभी करेक्ट होकर यहां तक आया है। सेम टू सेम हिंदुस्तान कॉपर में भी ऐसा ही हुआ है, उसने भी 3 दिन का लोअर सर्किट लगाया। हालांकि कमोडिटी में लोअर सर्किट का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, वो कितना भी नीचे जा सकते हैं या कितना भी ऊपर जा सकते हैं। अब हिंदुस्तान कॉपर क्या करती है, कॉपर में ही बिजनेस करती है, तो जिस चीज की कमोडिटी की वैल्यू बढ़ रही है और उसी में आप कारोबार कर रहे हैं तो उसकी माइंस की वैल्यू बढ़ेगी। अगर माइंस की वैल्यू बढ़ेगी तो कंपनी की वैल्यूएशन ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, अगर कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ेगी तो स्टॉक की वैल्यूएशन तो बढ़नी ही है। बहुत ही सिंपल लॉजिक है और प्रोपोर्शनल वे में अप्लाई होता है। जैसा कॉपर में मूवमेंट आ रही है उसी तरह से हिंदुस्तान कॉपर में भी मूवमेंट आ रही है। अभी फिर से हम हिंदुस्तान कॉपर के चार्ट में आ चुके हैं। अभी हाल फिलहाल में एक और खबर आई थी प्राइवेटाइजेशन को लेकर। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम प्राइवेटाइज करना चाहते हैं सभी कंपनियों को और कुछ कुछ कंपनियों को खाली अपने अंडर में रखना चाहते हैं। उनका क्लियर ये कहना था गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू डू बिजनेस, सरकार का कोई काम नहीं है बिजनेस के अंदर में काम करने का, उनका सिर्फ कंट्रोलिंग का काम है, वो उन्हें करना चाहिए। तो उस कारण से भी एक अच्छी मोमेंटम आई थी इसकी प्राइवेटाइजेशन को खबर लेकर। तो आप सिंपल सी एनालिसिस कर लेते हैं,
तो ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट है और मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट इसमें खींच रहा हूँ, और ये जो मूव पूरी आई है वो पूरी की पूरी रिट्रेसमेंट मैंने खींच दी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी जो 38% की रिट्रेसमेंट है वो आती है 119 के लेवल पे, तो 119 के पास में इसे काफी अच्छा सपोर्ट मिलने की उम्मीद है। उसके बाद में काफी नीचे है इसका सपोर्ट, 104 के आसपास सेकंड सपोर्ट है। अगर ये 119 के पास में आपको मिले या 120 के आसपास आपको मिले तो आपको इसे बाय कर सकते हैं। अगर हिंदुस्तान कॉपर को अपनी ये जर्नी कंटिन्यू रखनी है तो ये यहाँ तक ही आना चाहिए, और यहाँ से फिर बाउंस मारने की बहुत ज्यादा उम्मीद है। कोई एक बहुत ही अच्छे मोमेंटम में स्टॉक रहता है तो वो ज्यादा नीचे नहीं आना चाहिए, वो मैक्सिमम 38% के रिट्रेसमेंट के बाद में बाउंस करना चाहिए, वो एक हेल्दी करेक्शन मानी जाती है। 120 के आसपास या 115 के आसपास आपको मौका मिले तो वहां और एक्युमुलेशन आप कर सकते हैं। अब मेरे व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि इसमें हमें कितना कैपिटल लगाना चाहिए, तो इसमें हमें 5% से ज्यादा कैपिटल नहीं लगाना चाहिए। मैक्सिमम कैपिटल आपको सिर्फ 5% ही इसमें लगाना है, क्योंकि ये एक स्पेकुलेटिव शेयर है, तो इसमें आपको अपनी कैपिटल का 5% ही लगाना है, इससे ज्यादा आपको इसमें इन्वेस्ट नहीं करना है। मान लेते हैं आपके पास 10,000 रुपए पड़े हैं तो आपको सिर्फ इसमें 500 रुपए ही इन्वेस्ट करने हैं, उससे ज्यादा आप इसमें इन्वेस्ट ना करें। तो 500 से ज्यादा आपको इसमें इन्वेस्ट नहीं करना है, आपके पास अगर कैपिटल 10,000 की है तो। अब जान लेते हैं इसका एसएल क्या बनता है। तो एसएल इसका काफी नीचे है क्योंकि मोमेंटम काफी फास्ट रही है, तो 90 रुपीज का एसएल इसका बन के आता है। तो इसलिए अभी मैं कह रहा हूं कि आपको इसमें ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है। अगर क्वांटिटी आपकी कम रहेगी तो आप इसको होल्ड कर सकते हैं इतनी दूर तक भी, लेकिन अगर आपने क्वांटिटी बहुत ही हैवी ले ली, आपने पूरी कैपिटल लगा दी, तो अगर ये 5 रुपए भी नीचे आएगा तो आप डगमगा जाएंगे और आप इससे एग्जिट कर जाएंगे। ये मेरा हिंदुस्तान कॉपर पे एक व्यू है जो कि कंप्लीटली मेरी चार्ट की स्टडी पे डिपेंड कर रहा है। आपको क्या लगता है कि ये कहां तक नीचे जा सकता है और कहां से ये बाउंस मार सकता है, या ये बाउंस मारेगा ही नहीं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं।